नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन की कोई भी भर्ती उसकी जानकारी मिलती रहती है इसमें समय पे। तो आज की एक और वीडियो है हरियाणा फिजिकल एजुकेशन टीचर से जुड़ी, या मैं कहूँ उस समय में जब यह भर्ती होती थी तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से जुड़ी हुई, उस टाइम पर जो इस पद का नाम दिया जाता था उससे जुड़ी हुई। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ज़बरदस्त फैसला आया है, पीटीआई भर्ती हुई थी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया था, उस पर आवाज़ नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा, उसके ऊपर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण आवाज़ नहीं। दूसरी बार ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उन 2010 में 1983 पदों पर भर्ती होती है, लेकिन किसी कारणवश इसके ऊपर केस हो जाता है 2010 में, फिर लगातार इसकी प्रीट डलती हैं, 2013 में भी डलती है। पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लगातार हम अपलोड करते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि क्या ये भर्ती थी और क्या फैसला है। 2006 में एक एडवर्टाइजमेंट हरियाणा सरकार या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है 1983 पदों के ऊपर, टोटल पीटीआई की पोस्टें थी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की। इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अब भर्ती दोबारा होने के चांसेस हैं, या उस भर्ती को कैंसिल किया जाएगा, या उस भर्ती में शामिल कैंडिडेट जो उस टाइम पे ज्वाइन कर गए 2010 में, ये भर्ती वैसे 2006 की है लेकिन 2010 में इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती, तो उनके साथ उनके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, उन सब सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये भर्ती 2006 में निकलती है, उसके बाद लगातार नोटिस आते हैं कि एग्ज़ाम होने, लगातार 2 से 3 नोटिस रिटन एग्ज़ाम को लेके डाले जाते हैं। एक बार रिटन एग्ज़ाम होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इस प्रकार से लगातार इन नोटिस को दरकिनार करते हुए लगातार इनको कमीशन कैंसिल करता है, बार बार शिकायतें होती रहती हैं, जितने भी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नोटिस आए उन सभी को बारी बारी से कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, पूरी भर्ती को सिर्फ इंटरव्यू बेस पे कर दिया जाता है। 60 नंबर आपके एकेडमिक कर दिए जाते हैं, 30 नंबर इंटरव्यू के, 90 में से कट ऑफ बनती है, फाइनल लिस्ट लगती है। और जब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। टोटल वैसे 20,000 प्लस फॉर्म इसमें डले थे। तो जब रिटन टेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 8 गुना बच्चों को, 8 गुना जितनी पोस्ट हैं उससे 8 गुना, लगभग 16,000 के आसपास, 15,500 के आसपास बच्चों को बुलाया जाता है। उस समय ये बच्चे ही रहेंगे या कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे 60 नंबर एकेडमिक के कर दिए जाते हैं और 30 नंबर इंटरव्यू के। 60 नंबर के एकेडमिक, आपने 10th में कितने परसेंट मार्क्स लिए, 12th में कितने, इसके बाद CPED, उस समय इसकी वो होती थी योग्यता CPED, ठीक है। उस समय हरियाणा में DP डेमोंस्ट्रेटिंग फिजिकल एजुकेशन की भर्ती नहीं होती थी, PTI की पोस्टें निकलती थी। तो अब ये पोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, जो रिट डालते हैं उनका मानना था कि 30 नंबर का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के टाइम कुछ और नंबर लगा दिए जाते हैं और उसके बाद उस लिस्ट को बदल दिया जाता है। ये सारा मामला सबसे पहले हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसमें जाता है, चंडीगढ़। वहाँ पे हाई कोर्ट जो है इस भर्ती को रद्द करने के आदेश दे देता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, जो कैंडिडेट 2010 में भर्ती हुए थे वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसने हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, भर्ती को कैंसिल करने के आदेश दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्ती को रद्द करने के आदेश दे दिए। बार बार एग्ज़ाम के नोटिस आते हैं, कैंसिल किया जाता है, फिर रिटन एग्ज़ाम की बजाय इंटरव्यू बेस पे भर्ती की जाती है, तो यहाँ पे पूरा पेच जो है फंस जाता है। अब ये है कि अब ये भर्ती कैंसिल होती तो क्या होता है, क्या PTI की भर्ती आएगी दोबारा या DP की। तो अब जो इस जजमेंट में ये भी बताया गया है कि ये पहले इसके लिए PTI की भर्ती होती थी, अब जो है कुछ समय बाद PTI को ही TGT में कन्वर्ट कर दिया गया था। पूरा इस जजमेंट में लिखा, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो पूरी जजमेंट में आपको ये लिखा मिल जाएगा कि अब बाद में PTI की जो पोस्ट थी उसको TGT में कन्वर्ट किया गया। अब अगर दोबारा भर्ती होती है तो DP की पोस्टें निकल के आएंगी TGT की, अगर होती है तो। लेकिन अभी इन कैंडिडेट के पास डबल बेंच में जाने का मौका होगा, तो यहाँ पे एक चांस बनता है नई भर्ती का। अगर इस फैसले को डबल बेंच में चैलेंज नहीं किया जाता, करेंगे ज़रूर,
ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो डबल बेंच में ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जॉब सबको प्यारी है और लास्ट तक लड़ेंगे। अगर भर्ती वहाँ पे भी इस फैसले को, और उम्मीद है कि फैसला बरकरार रहेगा, क्योंकि सुप्रीम को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे रहा है तो संभावना है कि ये फैसला बरकरार रहे, इसमें कोई भी बदलाव ना हो, ये 100% यहाँ पे संभावना बन गई है। इसलिए TGT की वैकेंसीज आने के चांसेस और भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। इन वैकेंसीज के अलावा TGT की वैसे भी वैकेंसीज आनी है हरियाणा में, ये भी पक्का है। तो अभी ये एक मायूसी भरी खबर है कोरोना वायरस के दौरान उन टीचर्स के लिए जो उस समय में भर्ती हुए थे, लेकिन जो भी मामला जिसने भी रिट डाली थी उनके लिए थोड़ा सा सुकून भरा फैसला कि भर्ती को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा है कि नए सिरे से भर्ती को किया जाए, दोबारा से भर्ती को किया जाए। तो यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट आप इस फैसले में पढ़ सकते हैं, 85 पेजेस का ये फैसला है, इसमें पूरी डिटेल बताई गई है, कब क्या नोटिस आया बोर्ड के द्वारा, कब रिटर्न एग्ज़ाम के लिए नोटिस डाला, कब रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, कब उसको कैंसिल किया गया और किन कारणों से कैंसिल किया गया। ये जो ऑफिशियल जजमेंट है आपको सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा मामला, पिछले वीडियो में हमारी आवाज़ नहीं, उस कारण से हमें दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा, वो वीडियो हटा भी चुके हैं हम। तो ये था पूरा मामला, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि भर्ती दोबारा हो, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन डबल बेंच में जाने का मौका है, कैंडिडेट डबल बेंच में जा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी देनी थी, अगर इसी प्रकार की जानकारी और भी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी जानकारियाँ हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिजिकल एजुकेशन के अलावा टीचिंग जॉब्स की जितनी भी जानकारी हैं वो भी आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और भी अगर कोई क्वेश्चन इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दे, वहाँ पे हम आपको इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।